हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू द सेशन बाय ज्ञानम आई एम पीयूष सरदाना योर बड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर गाइस एज यू ऑल नो दैट की एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नियर आ रहा है सो आई हैव ब्रॉट अ ग्लिम्स फॉर यू गाइस जो एक्चुअली में नॉट अ होल टॉपिक बट यस अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर अस पहली बात तो ये कुछ क्वेश्चन मैं नहीं बनाकर लाया टू बी वेरी फ्रैंक ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर में से उठा लिया है और एचपी पुलिस का ही पेपर है कॉन्स्टेबल का सो so, एक बार चेक करें इसको हाउ इज द वर्ड इनफ यूज इन दीज टू सेंटें इनफ कैसे यूज किया गया इन दोनों सेंटेंसेज में सो so, बात किसकी हो रही है इनफ हाँ? की तो उससे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? ये देखो मैंने यहां पर आपके लिए बहुत बेसिक चीज लिखी मैंने क्या लिखा मैंने बोला शी वॉक्स स्लोली शी वॉक्स स्लोली यहां पर शी क्या है मेरे लिए सर यह प्रोनाउन है राइट right? और यह वॉक्स क्या है सर वर्ब है अच्छा सेंटेंस को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं वो स्लोली वॉक करती है वो लड़की स्लोली है कि उसका वॉक करना सर डैम श्योर उसका वॉक करना स्लोली है सो so वॉक करना क्या हुआ वर्ब वर्ब की क्वालिटी में जो एड करे आई रिपीट वर्ब की क्वालिटी में जो एड करे दैट इज समथिंग दैट एड टू अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब तो यह जो स्लोली वर्ड हुआ यह आपके लिए क्या बन गया एडवर्ब बन गया राइट नाउ वेन वी टॉक लाइक दिस मैंने बोला शी इज स्लो अब यहां पर मैंने बोला शी स्लो एक और शी इज अलो लर्नर शी एज अलो लर्नर अब सेंटेंस यहां से भी वही कहता है वो क्या है कहता सेंटेंस में शी स्लो है कि वो लर्नर लर्नर स्लो स्लो है है सर शी एक slow learner है, तो यहां स्लो किसके लिए लगा लर्नर के लिए क्योंकि शी लर्नर तो है वो लड़की लर्नर तो है लेकिन स्लो लर्नर है सो so, लर्नर क्या हुआ नाउन तो कहता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी में ऐड करने वाले वर्ड को बोला जाता है एडजेक्टिव सो स्लो क्या हो गया यहां पर एडजेक्टिव सो so, अब यहां चेक करें शी स्लो शी क्या है प्रोनाउन फिर वही बात कहता जो प्रोनाउन की क्वालिटी में एड करे वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव अगेन सो ऐसा कुछ क्रैम नहीं करना होता है कि हर एलवाई वाली चीज आपकी एडवर्ब होती है स्टूडेंट्स क्रैम भी करते हैं उसका एक छोटा सा पैटर्न बताता हूं मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोला दिस वन ऑफ माई वन ऑफ माई फेवरेट सेंटेंसेस ये मेरे दिल के बहुत करीब है मैं चाहता हूं ये पल मेरी जिंदगी में बार बार आए राइट right? एक बार चेक करें यह सेंटेंस है आई गॉट माई मंथली सैलरी द सेंटेंस इज आई गॉट माई मंथली सैलरी अब ना हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। भूल जाओ मैंने कुछ पढ़ा है एक है आई एक है गॉट एक है सैलरी सो so, तीन बेसिक वर्ड्स है मेरे पास

वर्क हार्ड अभी सेंटेंस में शी हार्ड है कि उसका वर्क करना सर वर्क करना वर्क करना क्या हुआ सर वर्क करना एक्शन वर्ब और ये हार्ड हो गया एडवर्ब इतना क्लियर है जी सो यहां से आपको क्या पता लगा वाले कोई कंसेप्ट नहीं होता है इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ द सेंटेंस हाउ यू हैव टू डील सो यहां से प्रूव क्या होता है ये देखो जरा अब यहां से प्रूव होता है कि एडवर्ब एड्जेक्टिव का बेस्ट लॉजिक दोनों का काम है एड करना क्या एड करना क्वालिटी ऐड करना फर्क क्या है एडजेक्टिव ऐड करेगा नाउन प्रोनाउन में एड वर्ब एड के अंदर ही वर्ब है तो वो ऐड करेगा वर्ब में सो so, बहुत ईजी है सो so, अगर मैं आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन पे एक छोटा सा कंसेप्ट बताया मैंने हार्डली एक मिनट का यहां से हम एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं वो बोलता है इनफ जो है वो दोनों सेंटेंसेस में कैसे यूज किया गया है राइट right. और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको लेर करेगी लेर मतलब लालच देगी आपको लालच देगी यार कि ये तो अटेम्प्ट करना है और आपको पता है एचपी पुलिस का एग्जाम है ठीक है नेटिव पीपल तो होंगे ही तो जैसे ही वो जो नेटिव हिमाचल के लोग होंगे ऑफ कोर्स एग्जाम देने गए होंगे उन्होंने पढ़ा देर इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन कितना इजी है ये एडजेक्टिव वर्ब सब पूछ रहा है ये बीच में या कंजंक्शन जो भी है ये है ना तो मतलब उनके दिमाग में लियोरनेस तो आएगी कि मुझको जैसे मर्जी करके लालच दे दिया गया ये क्वेश्चन तो करना ही करना है

क्या 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 है? There enough है, है 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 कि किसी चीज़ का नाम तो और की बढ़ाने वाला क्या होता है? Adjective. So, enough जो हुआ वो adjective हुआ वो काफी हद तक मेरा answer मिल गया है मुझे बट 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 दिल थामो है ना यू नो वेल इनफ वॉट आई मीन कहता तुमको अच्छे से पता है कि मैं क्या जानता हूं अच्छा ये जो इनफ है हु? तुमको भली भांति जानते जानते हो हो ऐसा बोलते ना तुम भली भांति ये किसके लिए लगा है? तुम के तुम्हारे जानने के लिए uh, सर तुम भली भांति नहीं हो तुम जानते भली भांति हो तो प्रूफ क्या होता है ये क्या लग जाएगा एडवर्ब सो टू दिस क्वेश्चन कम्सू बी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब साइमल्टेनियसली सो माई पर्पस इज नॉट टीचिंग ओवर हेयर सो बेसिकली माई पर्पस इज जो एग्जाम में आना है वो आपको आना चाहिए अभी नॉर्मल अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश पढ़ाऊं टू बी वेरी प्रिसाइस मैं अगर ऐसे इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दूं मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच अभी क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आते हैं बहुत कम एग्जाम्स में आते हैं सिंस एचपी पुलिस का एग्जाम है और उसके सिलेबस में भी लिखा है प्लस प्रीवियस ईयर में भी आया कि पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए सो दिस इज समथिंग विच इज अ मस्ट फॉर यू आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ऑफ माइंड सो ये जो मैंने बेसिक बताया आपको कुछ बेस भी समझ आया होगा सो वी शैल मीट इन द सेशन फॉलोइंग आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास थैंक यू एंजॉय ऑल द बेस्ट